जय जवान जय किसान, ओम बाबू बैठे बैठे। हमने ऐसे सोचा कि आज चलो आपको एक बकरी के बारे में ऐसी एक जानकारी देना चाहते हैं हम लोग। ओम बाबू भी बैठे हैं। ओम बाबू बोले, सबसे कौन सा अच्छा धंधा रहे है, खेती की खेती से जुड़े हो, कौन सा धंधा अच्छा है, कौन सा बिजनेस, कौन सा व्यवसाय आपको अच्छा तरह से उसमें, चलो लागत कम है और उसमें रिस्क कम है, उसमें कैपिटल कम लगता है और उसमें सभी बातों में देखा जाए। अदा मैं दो तीन चीज़ें आपको बोलने की कोशिश की, कंपैरिजन में अलग अलग बातों में सबसे देखा जाए, खेती से जुड़े हुए जो भी पूरक व्यवसाय है, जो आप ज्वाइंट बिजनेस बोलते हैं, उसमें सबसे भारी बिजनेस रहेगा तो वो ये बकरी और ये मेंढी पालन है। बकरी पालन से भी अच्छा मेंढी पालन है, ये भी आपको मैं बोल रहा हूँ। ये बकरी अभी चल रही, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये मैं थोड़ी मेरे मेरे हिसाब से आपको उसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे खेती के बारे में अच्छा बिजनेस रहेगा, कम नुकसानदायक बिजनेस रहेगा। बहुत बारिश आने दो, तूफान आने दो, बहुत गर्मी रहने दो, फिर भी जो भी बातें आपको थोड़ा आपके एक्सपीरियंस से मालूम है उस हिसाब से आप चलेंगे तो आपको ज़रूर इसमें फ़ायदा होगा। ओम भाई थोड़ा भी बकरी उधर हटाने के लिए है। तो ऐसी बातें हैं, सबसे अच्छा बिजनेस रहेगा। अभी और एक कंपैरिजन में आपको बोल देता हूँ, जैसे 2 एकड़ खेती वाला जितना कमाता है उतना एक 10 बकरी वाला कमाता है, 10 बकरी में बोल। लेकिन शाम के टाइम उनको थोड़ा सा आप जो गाय के लिए थोड़ा कुछ कम ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा खिलाते हैं, घास है, अलग अलग घास रहते हैं हमारे, दशरथ घास है, मक्खन घास है, जैसे मीथी घास है, उसमें से थोड़ा दे देंगे तो भी इनका बहुत अच्छा गुजारा होगा। और जैसे अलग आप जो उनको खाद की खिलाएंगे उसमें भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे मक्का रहेगा, मक्का और समझ लो थोड़ा मीथी घास देंगे तो बहुत अच्छा होता है उनके लिए, बराबर है ओम भाव? तो उनको कोई अलग आपको देने की नहीं, समझ लो आप जैसे सुबह 3 घंटा शाम को 3 घंटा घुमाते हैं इनको चराने के लिए घुमाते हैं, वो आन के अलग अलग भी ये खाती है, आने का अलग चारा, आने का अलग वनस्पति खाती है, तो उनको कोई रोग होता नहीं। जैसे उनकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है, उनका काटकपना बना रहता है, उनकी ताकत बनी रहती है, फिर उनको जो जो बीमारी की जो रिस्क है वो नहीं होती, ऐसा है। इसीलिए मैं कंपेरिजन में ये बोलना चाहिए कि सबसे नंबर वन कौन सा बिजनेस रहेगा, कौन सा आपको व्यवसाय आप खेती से जुड़े हुए कर सकते, तो वो है बकरी पालन, वो है मेंढी पालन। सिर्फ बोलते आप इंग्लिश में करिए, और हाँ जैसे आप कमेंट में बोले तो मैं और ज़्यादा सी जानकारी आपको दे सकता हूँ। और नहीं कोंबड़ी नहीं, कंपेरिजन कोंबड़ी और इसमें इस कंपेरिजन में देखा जाए तो सबसे बकरी मुर्गी मुर्गी वही चिकन बोलते हैं इंग्लिश में मुर्गी, वो सबसे नंबर वन कौन सा बिजनेस रहेगा तो सब बकरी सबसे अच्छा है। समझ लो आप सुबह का 3 घंटा नहीं छोड़ सकते तो 3 घंटा बाद में थोड़ा खाना का थोड़ा स्टोरेज करके रखिए, फिर उनको खिलाइए, जम जाता है। जैसे कुछ काम खेती के आपको ज़्यादा कुछ काम है, जैसे दूसरे कुछ काम है तो नहीं जम रहे तो भी। तो ऐसे वीडियो में मिलेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करिए। राम कृष्ण हरि, जय जवान जय किसान, ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। राम कृष्ण हरि।